थ्योरी समझ नहीं आ रही ना, तो आज समझ में आ जाएगी, तो बहुत बढ़िया सेशन होगा आज का। हेलो विन्नी जी। हेलो सर। हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी सही? हाँ जी, मेरी आवाज चलो ऑडिबल बढ़िया। है? हाँ ऑडियोबल है। ओके। तो जैसा कि आप विन्नी जी को जानते होंगे, इनके चैनल पे आपने देखा होगा, ये थ्योरी के बारे में बहुत कुछ पढ़ाती है फाइन आर्ट्स में, तो इसलिए मैं आज इनको लेकर आया हूँ कि आपको अच्छे से जो BFA की तैयारी है उसकी फाइन आर्ट्स की तैयारी करवा दें और आपका पेपर अच्छे से निपट जाए। तो शुरू करें फिर। ओके सर। सर एक चीज पूछना हाँ चाहूंगी कि कुछ पर्टिकुलर किसी कॉलेज को लेके एंट्रेंस का टारगेट है क्या अपना, कि फॉर ऑल है ये? ऑल है, सबका लेके चल रहे हैं। फॉर ऑल है, हाँ, ठीक है। ताकि ये ना अभी एवरग्रीन मुझे भी बता सकते हैं कि? लेसन्स रहे, हाँ एवरग्रीन जी, रहे ये वो हाँ लेसन्स। आगे वो भी सही है। और आप बता सकते हैं कि मींस अभी कौन सी कॉलेज की शायद एग्जाम्स, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट, हाँ, जामिया, कॉलेज ऑफ आर्ट है, जामिया का हो BHU, गया शायद? जामिया का तो हो गया, BHU हो गया, ओके BHU चलो और ठीक। कॉलेज ऑफ आर्ट। KK सर भी जुड़े हुए हैं। हाय ठीक KK है। सर। हेलो सर। सो शुरू करते हैं फिर। और हाँ, ठीक है। अपने नोट्स वगैरह सब मैं लेके अपना बैठना, कॉपी कैमरा पेन ले लेना। एक्चुअली, हाँ आप लोग प्लीज, हेलो आप लोग, वैसे तो मतलब सर ने इंट्रोड्यूस करवा ही दिया है, बट फिर भी मैं विनी वाधवा नेट JRF हूँ, विजुअल आर्ट्स में 2 टाइम नेट्स क्लियर हूँ। और अभी अपन मोस्टली, मेरी आदत रही है कि मैं बहुत डिटेल में बात करती हूँ, ठीक है, टॉपिक को लेके। लेकिन आज सर ने स्पेशली रिक्वेस्ट किया है कि BFA को लेके आपको टारगेट करना है, इट मींस बेसिक, हमें बेसिक डिस्कस करना है। तो मैं कोशिश करूंगी कि बहुत छोटे, क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम है और हम हाँ बहुत कम समय में आपके पॉइंट्स क्लियर हो जाएं। एटलीस्ट टर्मिनोलॉजी BFA में यही चीज होगा एंट्रेंस में, क्योंकि देखो आगे जाके आप लोगों को पढ़ना तो सब है, लेकिन वो आपको ये टेस्ट करेंगे कि आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी आप समझेंगे कि हम आर्ट्स में, फाइन आर्ट्स में कैसे टर्म्स को यूज करते हैं, है ना। जैसे हमको बेसिकली यही चीजें हुई कि जैसे GSM पेपर है तो वो उसका मतलब क्या होता है, हम बोलते तो हैं कि इतने GSM है बट उसका मतलब क्या होता है, तो वो कागज की मोटाई, तो ये इट्स बेसिक नॉलेज हमको होनी चाहिए। BFA एंट्रेंस में वो वही टेस्ट करेंगे, थ्योरी में वो आपसे कोई ज्यादा कुछ बहुत बड़ा नहीं पूछ लेंगे कि ये मंदिर कौन से शताब्दी में बना था, ये सब तो हमने आगे पढ़ना है। लेकिन वो एक बेसिक, मैंने जितने पेपर्स देखे हैं एंट्रेंस के, चाहे कोई भी कॉलेज, बहुत सारे कॉलेज के मुझे KK सर नहीं भेजे थे तो, और मैंने वो चैनल पे सॉल्व भी कराए हैं, तो मोस्टली मैंने ये एनालाइज किया है कि वो सिर्फ बेसिक नॉलेज आपकी जज करते हैं कि अगर आपने 11th 12th पढ़ा है तो आपने किस उस पर पढ़ा है, और आपको एक बेसिक नॉलेज है कि नहीं, ठीक है। तो उसी को लेके हम लोग पढ़ेंगे, और आज हमारा पहला चैप्टर है। आवाज मेरी रिपीट हो रही है शायद, मुझे मुझे आपको नहीं हो तो रही। कोई आवाज इशू नहीं है? नहीं, ठीक है ठीक है, आप लोगों को ऑडिबल है तो ठीक है। तो हम लोग बेसिक आज यही करेंगे, जो हम स्टार्टिंग करते हैं कि फंडामेंटल्स क्या है, ठीक है। अब मेरे चैनल पे भी है वैसे एक फंडामेंटल का वीडियो, लेकिन आज हम ऐसा डिस्कस करेंगे तो मुझे थोड़ा सा रेफरेंस की इसलिए आपको दिखाने के लिए जरूरत होती है, अदरवाइज मैं बोलती रहूंगी और आप लोगों को बहुत बोरिंग साउंड होगा। तो उसके लिए हम सोचे हैं कि इसमें, क्योंकि स्क्रीन शेयर तो होती नहीं है, तो मैंने सोचा है कि मैं अपनी स्क्रीन को इसको बैक कर लेती हूँ सर, अगर आपको सही लगेगा तो, और आईपैड की स्क्रीन को शो कर देती हूँ और मैं बोलती जाऊंगी तो उससे इजी रहेगा सबके लिए, ठीक है। थोड़ा और आप ना लोग को अगर कुछ भी कॉलेज ऑफ डाउट, आर्ट और BHU को भी लेके चलेंगे साथ में, क्योंकि सॉरी, मोस्टली BHU और कॉलेज ऑफ आर्ट के बच्चे ज्यादा ना, तो इनको भी थोड़ा थोड़ा बिल्कुल लेके बिल्कुल, चलते हैं। ठीक है बिल्कुल। वैसे है मेरे पास BHU के जो पेपर्स भी हैं जो मैंने चैनल पे सॉल्व भी करा रखे हैं, अगर किसी को एकदम हार्ड एंड फास्ट करना है तो अपनी आज की क्लास के बाद वो लोग उसको सॉल्व भी कर सकते हैं, तो उन लोग के लिए वो बहुत हेल्पफुल रहेगा। आप लोग, हाँ आवाज आ रही है। हमने कहा कि टाइम कम है तो और टाइम वेस्ट हो गया है। क्या तो स्टार्ट करें क्या? हाँ चलो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा ओके, सा स्क्रीन ब्लर का सर ब्लर एक हो बार रहा देख लीजिए। है। हाँ वेट स्क्रीन वेट, थोड़ी थोड़ी ब्लर हो रही। ठीक है, तो सेशन शुरू होने वाला है। जस्ट थोड़ा सा सीधी हो सकती है स्क्रीन, और कैमरा थोड़ा सा जूम हो जाए इसमें। हाँ ऐसे।
वेट। हेलो लक्ष्मी, थोड़ा सा सब्र रखें सभी, ठीक है? ठीक है। तो सर ये एक्चुअली क्या है, ये मेरा वीडियो का ही मटेरियल रहता है थोड़ा सा, तो इसमें कहीं कहीं रिटर्न शायद कुछ गड़बड़ है, क्योंकि वो हिंदी फोन्स हो जाते हैं, इसलिए उसको आईपैड में लिया है। तो ठीक है, हमको सिर्फ एक बार रेफरेंस देखना है और सिर्फ आम भाषा में फंडामेंटल्स को समझना है। लेकिन फंडामेंटल को समझने से पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि हमें देखना है कि हमें बीएफए थ्योरी में क्या क्या चीजों पे बेसिकली फोकस करना है। एक सेकेंड रुकेगा। प्लीज आप लोग इसका इंग्लिश देखिए, बता रही हूँ। हम लोग जो आज शुरू करने वाले हैं, जिसको कहते हैं फंडामेंटल्स, आठ फंडामेंटल्स क्यों बोल रहे हैं इसको, वो देखते हैं। मींस फंडामेंटल्स ऑफ आर्ट, जिसको कहते हैं कला के मूल तत्व। ठीक है, मूल तत्व के अंदर क्या चीज आएगी वो हम लोग देख लेते हैं। बेसिकली चीज है कि एक तो टॉपिक हो गया आपका फंडामेंटल्स ऑफ आर्ट, ठीक है। दूसरी चीज होती है हिस्ट्री ऑफ आर्ट, मतलब कला के पीछे का इतिहास क्या है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं क्रिटिसिज्म एंड फिलोसफी। आप आई थिंक स्क्रीन गई, वेट, मेरा बार बार गिर रहा है, इसके पीछे कुछ रख लो। नहीं, मेरा एक्चुअली स्टैंड पे लगा रखा है उसको, इसका स्टैंड थोड़ा ऐसे रहता है, कल कहीं गिरता रहता है बार बार। ठीक है, थोड़ा सा इसको लेफ्ट में करना, गिर गिर गया। एक सेकंड रुकिएगा बस, दो मिनट अब मुझे टाइम दीजिए, दो सेकंड। देखो, अगर आपको बीएफए नहीं भी कर रहे हो ना, जो लोग बीएफए की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं, उनके लिए भी सेशन जरूरी है, क्योंकि आपको बहुत नॉलेज मिलने वाली है इसमें, ठीक है। तो नॉलेज अगर फ्री में मिल रही है तो लपेट तो क्या जा रहा है। एक सेकंड, थोड़ा पेंसिल कनेक्ट नहीं था शायद। बस आपके नोट्स आप बनाते रहना, उसको लिखते रहना, जो जो चीजें समझ आ रही हैं। हाँ, आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल्स ऑफ आर्ट मतलब कि कला के मूल तत्व क्या होते हैं, उसका फंडामेंटल्स क्या होता है। मींस जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि कोई भी कला हो, लेकिन अभी हम लोग पेंटिंग की बात ज्यादा करते हैं, ठीक है। पेंटिंग, स्कल्पचर्स, जो फाइन आर्ट्स, ललित कला कह रहे हैं, तो कोई उसका फंडामेंटल्स क्या है, कला आई कहाँ से, और फिर हम लोग कोई भी पेंटिंग क्रिएट करें, ड्राइंग क्रिएट करें, उसमें उसका मेन फंडामेंटल तत्व क्या होता है, हमको उनको देखना है। इनको हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसलिए मैं ज्यादा इस पर बात नहीं करती। यही फंडामेंटल्स है, इसके अंदर एलिमेंट्स आते हैं, ये सब एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब हिस्ट्री ऑफ आर्ट, हिस्ट्री ऑफ आर्ट बोलेंगे तो वो दो तरह की हो जाती है। कैसे दो तरह की होती है, कि कला आई कहाँ से, उसके पीछे का इतिहास क्या है। इतिहास मतलब रिटर्न एक्सकेवेशन हमको जो मिले हैं वो कैसे, मतलब उससे हमको कला के बारे में, जैसे प्री हिस्टोरिक से लेके मॉडर्न तक हमारी कला क्या रही है, भारत में प्लस वेस्टर्न में, यूरोप में, क्योंकि कला हमारी यूरोप से आई है। ये एक क्वेश्चन काफी बनता है कि कला की स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, तो वो बिल्कुल यूरोप से हुई है। जो हम भीमबेटका की गुफाएं भारत में देख रहे हैं, वही हम बोलेंगे कि उससे पहले की है अल्टामिरा की गुफा, जो कि स्पेन की है यूरोप में, तो वहां से हमें पेंटिंग की शुरुआत हुई थी। तो ये एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है, सबको पता होना चाहिए कि पेंटिंग की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो वहां से हमको पेंटिंग के फर्स्ट एक्सकेवेशन मिला था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा चीजें हैं हिस्ट्री, जो कि इंडिया में भी थी और यूरोप में,
हम जब आर्ट पढ़ते हैं, पेंटिंग्स पढ़ते हैं, तो हम इन दोनों सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, ये दोनों हमारा सब्जेक्ट रहता है। आप आगे बीएफए करेंगे, एमएफए करेंगे, तो ये सारा सब्जेक्ट आपको पढ़ने को डीप में मिलेगा। ठीक है, मैं डीप में नहीं जाऊंगी, मैं सिर्फ आपको बेसिक बोल। अब क्रिटिसिज्म ऑफ फिलोसफी ये क्या होती है, आप टर्मिनोलॉजी की नॉलेज रख लेंगे, दैट इज सफिशियंट। अब क्रिटिसिज्म ऑफ फिलोसफी क्या, कि हमारी जो सी कला है उसको आपने जैसे कला को परिभाषित किया, डिफाइन कैसे किया, कला का मतलब क्या है। तो ये तो एक बेसिक, अगर 11, 12 पढ़ते हैं या 7, 8 में भी आपने आर्ट के बारे में पढ़ा हो, तो आर्ट क्या है, दैट गिव्स प्लेजर, जो आपको सुकून देती है, जो आपको ये बेसिक डिस्क्राइब किया है। और काफी स्कॉलर्स हैं जैसे कि रविन्द्रनाथ टैगोर, हम क्योंकि मतलब बेसिक पे जा रही हूं मैं, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या कहा था कि कला वो है जिससे हम खुद को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, मैन एक्सप्रेसेस हिमसेल्फ थ्रू आर्ट। तो ये एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है अगर फिलोसफी की बात करें, कि ये बात होती है कि हु सेड दिस, किसने कहा कि मैन एक्सप्रेसेस हिमसेल्फ थ्रू आर्ट। तो ये हमारे गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा। अब बहुत लोगों को ये बात तो पता ही नहीं होगी कि रविन्द्रनाथ टैगोर जो है उनकी उनका कला से भी कनेक्शन है, बट मैं आपको ये चीज बता दूं, ये भी एक बहुत क्वेश्चन बनता है कि उन्होंने अपने 67 लिखा है इस ईयर की एज में। सोचिए, जब उनको नोबेल प्राइज मिल चुका था उसके बाद उन्होंने पेंटिंग करना स्टार्ट किया था। तो कला में, पेंटिंग में उनका एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, और इसीलिए उनने क्रिटिसिज्म मतलब क्रिटिसाइज भी किया है उस चीज को। तो ये चीजें एग्जांपल आती है, जैसे प्लाटो एक ग्रीक का, ये सब बहुत बेसिक हो गया है आजकल, हर बच्चों को पता होना चाहिए, इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ कि जैसे प्लेटो है तो उन्होंने भी यही कहा था कि कला क्या है, कला सत्य की अनुकृति है, आर्ट इज द इमिटेशन ऑफ नेचर। That means, हम जो भी वास्तव में देख रहे हैं क्या करते हैं हम उसमें, हम आप लैंडस्केप क्या है देख रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं आप कुछ कंपोजिशन क्या, जो आप आज एब्स्ट्रैक्ट भी है तो एब्स्ट्रैक्ट को भी आप क्या कर रहे हो, आप लोग ये सब टर्मिनोलॉजी तो समझते हैं ना, तो एब्स्ट्रैक्ट को भी हम क्या कर रहे हैं, वॉट एवर हम बाहर देख रहे हैं, हमको जो हमारे अंदर इम्प्रेशन पड़ रहा है हम उसको एक्सप्रेस पेंटिंग के थ्रू कर रहे हैं। तो उनने यही कहा कि जो हम नेचर में देख रहे हैं, जो भी सच है, नेचर है, ट्रूथ है, उसका हमें इमिटेट करना, उसकी हमें अनुकृति करना कला है। तो ये सारी शब्द ऐसे सबने अलग अलग डिस्क्राइब किए हैं, मैंने दो बेसिक तो आपको बता ही दिए, आपको पता ही होने चाहिए, जैसे कि कला सत्य की अनुकृति है, मैन एक्सप्रेसेस हिमसेल्फ टू आर्ट, आर्ट कम्युनिकेशन है, आपको पता है कला से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, है ना, ये टॉल्स्टॉय ने कहा था। तो ऐसी ऐसी कुछ कुछ डेफिनेशन होती है जो हमें 11th 12th की बुक्स में भी मिलती है, आर्ट की बेसिक बुक्स में स्टार्टिंग में मिलती है। ठीक, तो ये वो होती है। अब आगे अगर आप लोग जैसे अप्लाइड के लिए चाह रहे हैं आगे, तो आपको थोड़ा सा ग्राफिक्स का नॉलेज होना चाहिए। गया क्या स्क्रीन? हाँ, थोड़ा सा गया वैसे। ओके, हाँ, अब ग्राफिक्स पे आते हैं। मान लीजिए आप अप्लाइड के लिए चाहते हैं आगे, बीएफए आपको पता, ये बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि बीएफए अप्लाइड में होता है, बीएफए पेंटिंग में होता है, ये आपको मोस्टली सब जगह होता है। तो अगर आप अप्लाइड के लिए कर रहे हैं तो आपको ग्राफिक्स के लिए बेसिक नॉलेज क्या होना चाहिए। अब मैं प्रिंट मेकिंग तक नहीं जाऊंगी, थोड़ा बहुत प्रिंट मेकिंग भी पता होनी चाहिए कि जैसे हम आगे प्रिंट क्या, बेसिक तीन प्रकार की होती है, रेलीफ होता है, इंटेग्ली होता है, प्लेन होता है, या तो सरफेस उभरा हुआ होगा या तो सरफेस धस प्लेन होते हैं, तो वो भी एक ग्राफिक्स के अंदर की टर्म है। ये तो एक थोड़ा सा डिटेल हो गया, लेकिन आप खुद ग्राफिक्स अगर आप अपने कंप्यूटर में, आईपैड में जो भी काम कर रहे हैं, तो आपको उनके सॉफ्टवेयर नॉलेज होने चाहिए। दैट मीन्स कोरल ड्रॉ का वर्क क्या है, एडोब फोटोशॉप क्या है, एडोब इलस्ट्रेटर क्या है, अगर आप उसमें फोकस करें, तो आपको इतना उनकी हिस्ट्री पे नहीं जाना है, ऐसा नहीं है कि हम गूगल खोल के बैठ जाएं, लेकिन हमें नॉलेज होना चाहिए कि जैसे कि अगर हम कुछ, मान लीजिए मुझे ज्यादा ग्राफिक्स की तो हूँ नहीं, मैं पेंटिंग की हूँ, लेकिन जितना पता है, जितना काम किया है, कि हम अगर कुछ क्रिएट करते हैं तो हम लेयरिंग चढ़ाते हैं, है ना, उसमें लेयर्स, तो अब जब फोटोशॉप में लेयर्स का मतलब क्या होता है, ये एक बेसिकली आपको पता होना चाहिए, आपको रट्टा नहीं मारना है मेरे हिसाब से। ठीक है, सेम एडवर्टाइजमेंट है, तो एडवर्टाइजमेंट में भी आपको अगर, वैसे उसका बहुत कम आता है क्योंकि ये एक एडवर्टाइजमेंट में कोई स्पेशली कोर्स तो होता नहीं है, वो आप अप्लाइड के अंदर ही आएगा, लेकिन आपको नॉलेज होनी चाहिए कि वॉट एवर कोई भी एडवर्टाइज हम कर रहे हैं तो उसमें हमको कैसे क्या चीज होती है, जैसे कि कौन क्रिएट करता है,
कौन कॉपी राइटर, जैसे कॉपी राइटिंग चीज क्या होती है एडवर्टाइजमेंट में, ये तो बहुत बेसिक है. क्या बेसिक है कि कॉपी राइटिंग दैट मीन्स कि आपका एडवर्टाइजमेंट में जो भी आपका लिखा हुआ मटेरियल होता है वो आपका कॉपी राइटिंग होता है. तो ये जो नॉलेज है, स्लोगन्स हैं, हेडलाइन क्या है, सब हेडलाइन क्या है, ये बेसिक जो हम न्यूज़पेपर में देख, जैसे कि पुराना, सबसे पुराना एक क्वेश्चन आता है कि सबसे पुराना एडवर्टाइजमेंट मीडियम क्या है. अब मीडिया क्या होता है एडवर्टाइजमेंट का, जिससे एडवर्टाइज हम करते हैं, जिससे हमें विज्ञापन को हम देते हैं, वो अब न्यूज़पेपर हो सकता है, न्यूज़पेपर सबसे पुराना माना जाता है. दूसरी चीज हम बोलते हैं कि टेलीविजन होता है, रेडियो होता है, आउटडोर होता है, इंडोर होता है, दीज आर ऑल द एडवर्टाइजमेंट मीडियम्स. तो आपको उनकी नॉलेज होनी चाहिए जो हमारे आसपास ही है, हमें कोई किताबें नहीं खोलनी है, बस हमें पता होना चाहिए. अब जैसे होर्डिंग्स हैं, हम होर्डिंग्स की बात करते हैं, तो यही क्वेश्चन आ जाएगा कि होर्डिंग्स क्या है, या होर्डिंग्स कौन सा मीडियम है, मीन्स आउटडोर है या इनडोर है. तो आपको खुद को इसके लिए, अगर आपको पता होगा कि जो बाहर रोड पे बड़े बड़े बोर्ड्स लगते हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए, उसको हम होर्डिंग्स कहते हैं, तो हम बहुत इजीली आंसर कर सकते हैं कि वो तो बाहर ही लगेंगे ना, वो अंदर तो लगेंगे नहीं. तो ये स्मार्टनेस जज करने के लिए हर यूनिवर्सिटी का पेपर बनता है मेरे हिसाब से. वो खुद भी बनाने वाले बहुत ज्ञानी होते हैं और उनको पता है कि बच्चों को कितना पता होगा, बट आपको इतना पता होना चाहिए. अब जैसे लोक कला आ गए हम आगे, ये सब बेसिक हैं, कोई भी आर्ट एग्जाम है इनमें बेसिक टॉपिक्स हैं. फोटोग्राफी में जैसे डार्क रूम क्या होता है, डिजिटल कैमरा कब आया, क्या जो जो चीजें हैं, सेंसर क्या काम करता है, कौन सा लेंस लगा रहता है, ये थोड़ी बेसिक चीजें अगर आपको फोटोग्राफी का शौक है तो आपको ये पता होनी चाहिए. वैसे फोटोग्राफी के मेरे हिसाब से BFA एंट्रेंस में इतना ज्यादा नहीं आता, लेकिन हाँ डिजिटल कैमरा नया है या उससे वो पूरा, वो चीजें थोड़ी बहुत पूछ सकते हैं, वो भी ऐसा कि वो आम लोगों को पता होगी. ठीक है, अब आता है लोक कला. तो अब आप लोक कला समझिए कि हम जो बेसिक हमारे आसपास, हमारी मध्य प्रदेश में अगर हम देंगे तो हमारी गोंड पिथौरा पेंटिंग्स होती हैं, मधुबनी सब जानते हैं, ये जो कॉमन पेंटिंग्स हैं उसके बारे में आप थोड़ा नॉलेज रखिए. जैसे मधुबनी कहाँ की है, तो बिहार की है, तो ये कॉमन है. वर्ली पेंटिंग्स हर कोई बनाता है, लेकिन किसी ये को दो क्वेश्चन तो पूछते ही पूछते हैं. जी, बहुत कम लोगों को उसको नॉलेज होता है कि वो आई कहाँ से है या वो मेन कहाँ की पेंटिंग है. आज मधुबनी, वर्ली, गोंड तो ऐसे हो गए हैं कि पूरे भारत में सब बना रहे, मतलब शौक के तौर पे आज हम भी क्रिएट करें, लेकिन बेसिक वो कहाँ से है, थोड़ा बहुत उसके बारे में नॉलेज अगर हम रखेंगे तो ये चीजें बहुत आसान हो जाएगी. ठीक है, दूसरी बात, ये सिनेमा डांस ये सब तो वैसे आएगा नहीं, क्योंकि अगर हम BFA उस चीज के लिए पेंटिंग सप्लाइड के लिए दे रहे हैं तो ये सब चीजें नहीं आएगी. आर्ट सेंटर्स बोले तो, कि अगर जैसे ललित कला अकेडमी आपके राजस्थान, अगर आप राजस्थान का दे रहे हैं तो राजस्थान में किस जगह पे है. ठीक है, और बोलेंगे एक आर्ट ग्रुप्स भी देंगे कि ललित कला अकेडमीज होती क्या है, उनके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज अकेडमीज हैं, आर्ट सेंटर्स हैं, म्यूजियम हैं, ये आपको पता होना चाहिए अगर आपकी एरिया में है कुछ. जैसे भारत भवन, आज मैं थोड़ा सा MP को फोकस करके इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं खुद MP की हूँ. तो भारत भवन हमारा कहाँ है, तो भोपाल में है. प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहाँ है, तो सॉरी बॉम्बे में है ना. वैसे कि गढ़ी, एक आप दिल्ली का फोकस कर रहे हैं, तो गढ़ी वर्कशॉप कहाँ है, भावेश चंद्र सान्याल जी ने उसको स्टार्ट किया था, एक बहुत अच्छे कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट माने जाते हैं. दिल्ली की बात कर ली तो एक गढ़ी वर्कशॉप कहाँ होती है, तो दिल्ली की है वो. ठीक है, उसको स्टार्ट भावेश चंद्र सान्याल जी ने कहा था, और अब भावेश चंद्र सान्याल जी की बात हो ही गई है तो इनको अपन एक बात कहते हैं, इनको सदियों का कलाकार कहा जाता है. ये दिल्ली के बहुत बड़े कलाकार हैं और इनको सदियों का कलाकार इसलिए कहा जाता है क्योंकि 103 ईयर्स जिए हैं वो, है ना. तो ये एक बहुत अभी टाइम नहीं हुआ है ज्यादा, डेथ हुए हैं उनको, लेकिन उन्होंने एक फॉर्म किया है. मतलब ये कहाँ से आए हैं, ये जब हमारा भारत विभाजन हुआ था उस समय पाकिस्तान से आए हैं, और तब से फिर उन्होंने दिल्ली में इनने इस तरह का एस्टेब्लिश किया. प्लस दिल्ली की बात कर रहे हैं तो दिल्ली शिल्प चक्र को याद रखिएगा कि ये जो आर्ट सेंटर्स, आर्ट ग्रुप, ये एट लास्ट हमें बेसिक नॉलेज कि दिल्ली शिल्प चक्र कहाँ का है. शिल्पी चक्र कितनी बार पूछेंगे, शिल्पी चक्र कहाँ का है, तो वो दिल्ली का है. और यही भावेश चंद्र सान्याल, प्राणनाथ मैगो, इनने उसको एस्टेब्लिश किया था. ठीक है, तो अब हो सकता है, देखिए मैं मुंह से कितनी चीजें बोल रही हूँ, तो अगर आप लोग उस चीज को फायदा उठाएंगे तो आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि ये सब यही बेसिक क्वेश्चन बनते हैं और कहीं नहीं आते. ठीक है, तो ये हमारे बेसिक हैं.
इन सब चीजों की नॉलेज आप रखेंगे तो हम लोगों का काम बहुत आसान हो जाएगा। अब आज का हम जो टॉपिक है हमारा एलिमेंट्स, हम उनको देख लेते हैं कि एलिमेंट्स क्या होता है, ठीक है, कला के तत्व क्या होते हैं। आप प्लीज इसका हिंदी का थोड़ा सा उसमें मत जाइएगा, वो थोड़ा बहुत गड़बड़ाया हुआ है, हम थोड़ा सा फोकस ऐसे हमको समझने से मतलब है, ठीक है। तो कला के तत्व बेसिकली क्या होते हैं, कोई भी आर्ट है, पेंटिंग है, हमको ये तत्व उसमें ध्यान रखने पड़ते हैं। तो इसका नॉलेज मतलब बहुत वही फंडामेंटल, फंडामेंटल क्या होते हैं, फंडामेंटल्स के अंदर आता है तत्व, उसका एलिमेंट्स। किसी भी पेंटिंग में अगर एक पेंटिंग है, चाहे वो स्टिल लाइफ हो, चाहे वो कॉम्पोजिशन हो, चाहे वो लैंडस्केप हो, उसमें ये सब चीजें होएगी। लेकिन अब आपको इसको, आप लोग बुक खोलेंगे, आप देखेंगे, आपको लगेगा कि ये तो हमें रटना है और हमें तो आ ही नहीं रहा, रेखा क्या होता है, रेखा कितने प्रकार की, क्यों नहीं आ रहा, अगर हम उसको अपनी पेंटिंग से जोड़ के चलेंगे जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। मैं आज अगर आपको, मुझे आपको पढ़ाना है तो मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैंने किताब खोल के, काफी हिस्ट्री की बहुत चीजें होती है कि हम किताब खोल के एक बार देखते हैं, पढ़ाने के लिए भी पढ़ना पड़ता है, लेकिन ये चीजें ऐसी है कि ये हमारे दिमाग में हमेशा से है और वो बस जाती है। तो आज आप अगर ये चीजें समझेंगे ना, भले आप आर्ट एग्जाम नहीं दे रहे हैं, आर्ट स्टूडेंट नहीं है, पर समझेंगे तो आपको बात समझ आएगी। तो देखिए, कोई भी पेंटिंग हो उसमें रेखा का महत्व सर्वप्रथम होता है। आज अपन इस चीज को समझने के लिए एक स्टिल लाइफ का आप एज्यूम कीजिए, आप थोड़ा सा अपने अंदर इमेजिन कीजिए कि हमारे सामने एक मॉडल स्टिल लाइफ का एक फ्लावर पॉट पड़ा है, ठीक है, इस तरह का एक सॉरी वास पड़ा है, आप लोग समझिए। तो आपको अगर, आपको भी है कि आपको जब स्टिल लाइफ क्रिएट करना होता है, आप लोगों ने देखा है काफी, तो प्रैक्टिकल में हम सबसे पहले क्या बोलते हैं, आप क्या स्टार्टिंग से उसकी डिजाइन ड्रॉ करने लग जाते हैं। कोई भी बेस्ट आर्ट टीचर होगा वो ये नहीं बोलेगा कि उसके ऊपर जो फ्लावर्स बने हुए हैं वो बनाओ, उसके ऊपर जो गोल गोल सी ऐसी टेढ़ी मेढ़ी डिजाइन बनी है वो बनाओ। अगर आप उसका एक फॉर्म सही क्रिएट कर दोगे, एक चीज, उस चीज को बोलेंगे कि उसका एक इफेक्ट ला दोगे, हर टीचर ये बोलता है, तो आप जीत रहे हैं। मतलब फिर आपको ये, अगर आपने फूल पत्ती बेल नहीं भी बनाई तो भी टीचर आपसे इम्प्रेस हो जाएगा, कोई देखने वाला आपसे इम्प्रेस हो जाएगा। तो वो उसके लिए क्या होता है कि हमने सबसे पहले, हम जो किसी पेंटिंग में देखते हैं वो होती है उसकी रेखा, उसकी लाइन। फॉर्म तो आप बनाओगे, लेकिन फॉर्म आप तभी बनाओगे जब आप उसकी लाइन को देखेंगे। दैट मीन्स कि ये लाइन ऐसी है, मतलब वर्टिकल है, फिर ये हॉरिजॉन्टल है, देखते हैं कि नहीं देखते हैं, आप खुद अज्यूम कीजिए, मैं कुछ नहीं बोल रही, ये सच है। आप भी यही देखेंगे कि क्या ये लाइन गोल है, फिर ये ऐसी है, फिर ये ऐसी है। आप लोग भी तो यही करते हैं, सब ये करते हैं। तो कोई भी पेंटिंग में सबसे पहला तत्व होता है वो होता है रेखा, जिसको कहते हैं लाइन। लाइन क्या होती है, उसको डिफाइन करें कि कोई भी दो बिंदु, ये हो छोटे हो बड़े हो, उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो लाइन है। ये दो बिंदु है, उसको खोल दिया, उसको जोड़ दिया, वो लाइन हो गई। अब मुझे एक बात बताइए, क्या यही लाइन है, ठीक है, ये लाइन है, ये लाइन है आपके हिसाब से। लेकिन जब हम एक, देखना ये वास का ये क्रिएट कर रहे हैं, समझिए एक सर्कल, तो क्या ये लाइन नहीं है। मैं तो कह रही हूं कि पूरा पेंटिंग एक लाइन से मिलके बना है, लाइनों के बिना कुछ नहीं होगा। तो हम क्या बोलते हैं कि लाइनिंग से ही मिलके बना है, लेकिन रेखा ही है, लेकिन ये रेखा जो है ये सिंपल रेखा है, और ये रेखा जो है ये कर्व, सॉरी ये रेखा जो है ये कर्व रेखा है। आज सर्कल भी है, तो क्या सर्कल रेखा से नहीं बना, स्क्वायर तो रेखाओं से बना है, चलो वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, ये रेखाएं, तो क्या स्क्वायर रेखा से नहीं बना, बना है, लेकिन कर्व रेखा से बना है। तो बस पूरे संसार में, पूरे संसार में सिर्फ दो प्रकार की रेखाएं मिलती है और कहीं नहीं आएगी। रेखा तो ये हो गई दो बिंदु के बीच की, लेकिन पूरे संसार में रेखा कितनी मिलती है, सिर्फ दो प्रकार की, या तो वो सिंपल होगी या तो वो कर्व, ठीक है। तो ये दो हो गई, अगर आ जाए कला रेखा कितने प्रकार की होती है, तो वो दो प्रकार की, या तो सीधी होगी या तो घूमी हुई होगी। लेकिन अब बोलेंगे कि उनकी दिशाओं और बाकी चीजों के हिसाब से हम उसको क्या क्या नाम देते हैं, आपको भी पता है, हॉरिजॉन्टल बोलते हैं उसको, वर्टिकल बोलते हैं उसको, कर्व्ड बोलते हैं उसको, जिगजैग बोलते हैं। तो ये सब चीजें आपके बेसिक है, आप लोग को पता होनी चाहिए। हॉरिजॉन्टल क्या होती है, स्पाइरल बोलते हैं,
वर्टिकल बोलते हैं, टूटी टूटी, ये सब, ये देखिए आपको दिखेगा इसमें। अब देखिए ये चीजें हैं, थोड़ी सी इसमें अपन डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन आप खुद समझिए कि जैसे अगर कोई भी रेखा सिंपल है तो उसके अंदर क्या होगी, एक कठोरता होगी। ये अपने दिल की बात है, समझने के लिए तो दिल की बात है। एक वर्टिकल खड़ा है तो मतलब क्या है, ये दृढ़ है, एक रिपोज है, गिरेगा ही नहीं। तो ये चीजें कभी आ जाए तो आप थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाइए कि किसके पीछे का महत्व क्या होता है। ये आपको आर्ट बुक्स में मिल जाएगा, अपन इसको ज्यादा नहीं डिस्कस करते। अगर आपको डिटेल में चाहिए तो वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, कौन सी रेखाएं क्या होती है ये देखिए, ये देखिए ये क्या है, ये रेडियल रेखा है। सबको पता है रेडियल मतलब एक रेडियस पे है, इक्वल इक्वल है, एक पॉइंट से निकली हुई। ये क्या शो करती है, आजाद है हम, आप खुद समझ रहे हैं, यहाँ बंधे हुए थे लेकिन फिर आजाद हो रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि फ्रीडम शो करती है ये, ठीक है। ये ट्रायंगुलर एंगुलर जिसको हम बोलते हैं, बंधा हुआ है किसी चीज से, इसको स्पाइरल बोलते हैं, हर कोई जानता है। तो ये सब चीजें थोड़ी सी आप लोगों को नॉलेज होनी चाहिए टर्मिनोलॉजी की। अब बात करते हैं रूप क्या है, रूप क्या है। अब ये देखो इसको मैं थोड़ा सा स्टिल लाइफ भी देख लिया था, तो अपन फिगर, अब मान लीजिए फिगर क्रिएट किया है, कोई भी फिगर में क्या पहले से स्टार्टिंग से उसकी आंख नाक मुंह उसका पर्टिकुलर ड्रेस ऑर्नामेंट्स ये सब बना देते हैं, नहीं। कोई भी अच्छा टीचर यही बोलेगा कि आप पहले उसको स्टिक फिगर बनाइए, फिर आप उसको, मतलब स्टिक फिगर क्या होता है, रेखाओं से बनाइए और फिर उसके बाद आप उसको इस रूप में ढालिए। This is a रूप। आज अगर हमको ये फ्लावर पॉट भी बनाना रहेगा तो हम कैसे करते हैं, ये ओवल, फिर ये स्क्वायर, फिर ये शेप, फिर ये स्क्वायर, यही बोलते हो, यही करते हो कि कुछ अलग करते हैं, ये सिलेंडर, ये बना गया फ्लावर, ये करते हैं और उसके बाद इसकी एक्स्ट्रा डिजाइने करते हैं। तो ये चीजें जो हम शेप्स में डिवाइड करते हैं, जो हम किसी भी चीज को बनाने के लिए सबसे पहले उसके पीछे का शेप देखते हैं, उसका रूप देखते हैं, इसको फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। अब फॉर्म मत जाइए आगे, अब फॉर्म कितने प्रकार का होगा संसार में, खुद ही सोचिए। फॉर्म के लिए ये वास दिख रहा है, इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल फॉर्म। सिमेट्रिकल मतलब तो बीच में एक लाइन करी, ये इक्वल, तो ये हो गया सिमेट्रिकल। और एसिमेट्रिकल मतलब ये बीच में ये लाइन बनी, ये अलग और ये अलग, बस क्या है, तो दो ही प्रकार के होते हैं रूप, इससे अलावा और कोई तो गुंजाइश ही नहीं है। जैसे कि मैंने रेखा में बोला था कि एक सिंपल होगी एक गोल होगी, कोई गुंजाइश नहीं, वैसे रूप में भी गुंजाइश नहीं है। या तो सिंपल, या तो ये इक्वल होंगे, या तो अनइक्वल होंगे, उसके अलावा कुछ हो सकता है नहीं। इसी प्रकार तो इसलिए रूप भी कितने प्रकार के हो गए, दो टाइप्स के हो गए, ठीक है। अब थोड़ा सा फास्ट लेते हैं क्योंकि अब कलर का इंपॉर्टेंट है, इसकी टर्मिनोलॉजी थोड़ा सा याद रखिएगा। कलर क्या है, अब देखो सबसे पहले पेंटिंग में रेखाओं को देख लिया, फिर उसका रूप क्रिएट कर दिया, फिर अपन उसका एक क्वेश्चन ये आया कि फॉर्म और शेप में क्या डिफरेंस है, या दोनों एक ही है। जब हम एक टू डायमेंशनल के लिए सोचते हैं तो वो एक उसका शेप होता है, लेकिन जब हम उसको थ्री डायमेंशनल में, थ्री डायमेंशन भी तो, अब यही देखिए ना आप, ये देखिए ये चीज दिख रही है आपको, जब हमने इसको थ्री डायमेंशनल में लिया है, रूप को तो क्रिएट किया लेकिन उसको थ्री डायमेंशनल में रेखाओं से दिया, तो वो ये शेप है, लेकिन जब उसको हमने 3D में डाल दिया है तो वो उसका फॉर्म, बस ऐसा बहुत ऑलमोस्ट इक्वल होता है। बट कभी हम यूज भी कर लेते हैं फॉर्म, लेकिन फॉर्म ये है कि वो एक पूरे रूप में डाल देना, शेप ये है कि बस उसको शेप्स में, ज्योमेट्रिकल शेप्स जो होते हैं उसमें डिवाइड करना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब कलर, रंग बहुत इंपॉर्टेंट, पहले लाइन्स बना दी, फिर आपने रूप में उसको, आप एज्यूम करते जाइए हम एक स्टिल लाइफ क्रिएट कर रहे हैं, हमने लाइन देखी और हमने उसको रूप में डाल दिया, रूप में डाल के उसको फिर फाइनल फॉर्म दे दिया। उसके बाद हम किस पे आएंगे, हम उसके रंग पे, कि भाई क्या कलर दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, उस पे आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज आ सकती है क्वेश्चन कि रंग क्या है, आप ही बताइए रंग क्या है। मैं अपने स्टूडेंट से जनरली 15-20 मिनट भी क्वेश्चन करती रहती हूँ कि तुम बताओ रंग क्या है,
आप लोग तो इतना जानते जानते रंग तो हम बचपन से जानते हैं, तो आप बताओ। लेकिन अभी हमारे पास टाइम नहीं है, तो मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन नहीं करूंगी, मैं सीधे आपको बता दूंगी। ठीक है, तो थोड़ा सा लाइट फ्लैश करता है बार बार। ठीक है, हाँ तो रंग एक यही है कि है कुछ भी नहीं। आप बोलोगे कि क्या लाल अलग है, पीला अलग है, नीला अलग है, ऐसा कुछ नहीं। ये क्या है, ये एक प्रकाश, मतलब लाइट की एक क्वालिटी है। लाइट बोले तो सनलाइट। आज हम क्या, आपको क्या लग रहा है, विभिन्न क्रिएट्स जो हो रहे हैं कलर्स, क्या वो एक्चुअली में ऊपर वाला नेचर का क्रिएशन, मतलब है तो नेचर का क्रिएशन, तो क्या वो एक्चुअली में एग्जिस्ट करते हैं? आप खुद एक एज्यूम करके देख लिए कि जब एक अंधेरा कमरा होगा, कोई भी रूम होगा वो अंधेरा होगा, और उसमें सारे कलर की चीजें आपकी पड़ी है वैसी की वैसी, ये जैसे ये ग्रीन है, ये नहीं है क्या, थोड़ा सा क्लियर नहीं है। ठीक है चलिए, हो गया। जैसे कि ग्रीन कलर है, ये रेड कलर की चीज पड़ी, मेरे आसपास पूरी पेंटिंग्स है, मैं लाइट ऑफ कर दूंगी। आप खुद देखिए, आप अपने आसपास देखिए, पीछे पेंटिंग्स लगी है, आपको पता है उसमें ब्लैक है, आपके वॉल के पीछे का कलर रेड है, ब्राउन है, व्हाटएवर, लेकिन हम अगर हम लाइट बंद कर देंगे तो हमारे, हमें क्या वो कलर दिखेंगे, क्या हम उसको डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि वास्तव में तो कलर है ही नहीं ना, वो तो लाइट का ही क्रिएशन है, जो लाइट की वजह से हमें ये कलर्स दिखते हैं। ठीक है, तो लाइट यही है कि जब एक सनलाइट किसी भी चीज पे पड़ती है तो वो व्हाटएवर जो उसकी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग, सनलाइट के अंदर आपको पता है सनलाइट एक जो व्हाइट कलर आपको दिखती है उसके अंदर अपने आप में ये कलर होते हैं, ये आप सब जानते हैं, हम लोग फोर्थ फिफ्थ क्लास में पढ़ते थे विप ग्योर। ठीक है, ये सेवन कलर्स होते हैं जो हमें रेनबो में दिखते हैं, ये कलर्स होते हैं सनलाइट में। तो जब सनलाइट किसी भी चीज पे पड़ती है, कोई भी चीज है, आपकी वॉल हो या आपकी जो भी, हमको जो कलर दिख रहा है, तो वो अपने वेवलेंथ के अकॉर्डिंग एक कलर को अपने पास रख लेती है और बाकी कलर्स को वापस भेज देती है, जिसको हम कहते हैं वापस रिफ्लेक्ट हो जाता है, बाकी स्कैटर्ड कर देती है। ठीक है, तो जब एक कलर को वो रख लेती है और बाकी सबको वो भेज देती है, मतलब एक लगे कि छह वापस चले जाएंगे, तो अपने वेवलेंथ के अकॉर्डिंग वो एक कलर को लगती है। तो ये प्रॉपर्टी होती है लाइट की। ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, हम फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, लेकिन ये सब तो बेसिक साइंस है, सिक्स सेवेंथ में हम पढ़ते थे, तो बस ये हमारे इधर भी अप्लाई होगी। अब बात देख लो, जो बेसिक रोड्स है, कोन्स है, ये हमारी आंखों में होते हैं, आंखों, आई डायग्राम भी फिर साइंस में आए, तो जब हम आई डायग्राम देखते थे तो जो हमारी रेटिना होती है आंखों पे, उसके ऊपर लेयर्स होती हैं रोड्स की और कोन्स की। ठीक है, तो रोड्स, रोड्स से आप याद रखो, रोड्स कैसा होता है, काले कलर का होता है। सड़क कैसी होती है, काले कलर की होती है और उसपे व्हाइट पट्टियां होती है, ये सच है। तो अगर रोड ब्लैक एंड व्हाइट होता है तो रोड्स जो होता है हमारी आंखों में, जो रोड्स का रोड्स जो एक ऑर्गन होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी पेंटिंग के ब्लैक एंड व्हाइट चीजों को देखने के लिए, कुछ भी है ना, ये इंपॉर्टेंट है, आता है। तो रोड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लैक एंड व्हाइट थिंग्स, और कोन्स, कोन्स में हम बहुत कलर भर सकते हैं, इसलिए कोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सीइंग कलरफुल थिंग्स। तो ये दो चीज बेसिक हमें पता होनी चाहिए। अब वेवलेंथ की बात है, तो अब वेवलेंथ से भी आप एक बार, ये इसलिए ये आ जाता है क्वेश्चन कि सबसे अधिक वेवलेंथ किसकी है, तो रेड की है, सबसे कम वेवलेंथ किसकी है, तो वायलेट की। अब इसको कैसे याद रखोगे, तो बहुत सिंपल है, क्या है, अब आप लोग रेनबो देखते हैं, सब लोग ने देखा होगा रेनबो, लेकिन रेनबो में आपको कलर्स कौन से दिखते हैं, क्या ये सातों कलर हमको दिखते हैं? नहीं दिखते, हमें दिखने हैं ब्लूइश शेड के कलर, मतलब यहाँ वाले कलर, ये वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ये दिखता है। क्या आपको रेड दिखता है? आपको नहीं दिखता। तो बस इतना याद रखना है, लाल इसलिए नहीं दिखता क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज्यादा है, तो वो ज्यादा दूर भाग जाता है, वो स्कैटर्ड हो जाता है, और जिसकी वेवलेंथ कम होती है तो वो यहीं रहता है और ये हमको दिखता है। जो ज्यादा होता है, ऑब्वियसली गॉड बहुत बड़े हैं, बहुत ज्यादा हमें दिखते नहीं है, लेकिन जो कम होते हैं वो हमको दिखते हैं। तो वैसे जो कम होता है वो हमें दिखेगा, मतलब वायलेट की कम एंड रेड की ज्यादा। तो ये भी क्वेश्चन बनता है, इसलिए आप याद रखें,
क्यों बनेगा क्वेश्चन ये? क्योंकि ये हम फिफ्थ सिक्स क्लास में पढ़ते हैं, वो यही नॉलेज यही टेस्ट करते हैं कि आपका कितना नॉलेज है। ठीक है, देख लीजिए ये प्रिज्म से, प्रिज्म का ये वो किया था हम लोग साइंस में पढ़ते थे कि इस तरह से सात लाइटें, विब्योर जो है, विब्योर का फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज एंड रेड। ये देख लीजिए, ये ऐसे हम, ये सब मैंने पहले बताया था, देख लो आप, अभी ये बता चुकी हूं मैं कि ये लाइट पड़ती है ये, क्योंकि इसने एक येलो कलर को रखा, बाकी सबको वापस भेज दिया, तो हमारी आंखों को ये क्या दिख रहा है, येलो दिख रहा है, पर ये वास्तव में ये येलो नहीं होता है, जो है जो करामत सब इनकी है। ये बंद हो जाएंगी तो ये कैसा दिखेगा, एकदम ब्लैक। तो इसलिए कहते हैं कि कलर एक लाइट की प्रॉपर्टी है। ठीक, ये देखिए रोड्स एंड कोर्स वो क्या मैं बोल पहले दी, ये हमारी आई का डायग्राम है, हम इडली में देखते हैं, तो ये जो यहाँ से लाइट हमारी एंटर होती ना, तो ये रेटिना है, सॉरी, तो ये रेटिना के इधर ही, ये इसी रेटिना की जो मेम्ब्रेन है, इन्हीं पे ये रोड्स और कोन्स लगे रहते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक है, आप ज्यादा मत देखिए। अब आते हैं कलर, कलर में ह्यू क्या होता है, वैल्यू क्या होता है, क्रोमा क्या होता है। देखो मैंने आपको बोला था कि टर्मिनोलॉजी हमें बहुत जरूरी है, और टर्मिनोलॉजी तो हमको जानना जरूरी है, भले बड़ा जाए छोटा जाए। अब ह्यू क्या है, तो देखो बेसिक चीज अपन समझते हैं, आप लोग बोलते हैं पर्शियन ब्लू कलर, ठीक है, वर्मिलियन रेड कलर होता है ना जैसे, तो अब है तो पर्शियन ब्लू, लेकिन उसकी रंगत क्या है, मतलब वो किस पे बेस कर रहा है, क्या प्रूशियन रेड बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, लेकिन कोई भी कलर है उसके पीछे जो ये मुख्य रंगतें होती है, जिसको आप प्राइमरी सेकेंडरी कलर्स बोलते हैं, वो उसकी रंगत होती है, उसकी ह्यू होती है। ठीक, ह्यू होती है जिसको हम कहते हैं रंगत, उसके पीछे का, जैसे कि अगर प्रूशियन ब्लू है तो ब्लू उसकी रंगत है, वर्मिलियन रेड है, रेड उसकी रंगत है, अल्ट्रामरीन ब्लू है तो ब्लू उसकी रंगत है। सेम वैल्यू, अब वैल्यू की बात है कि लाइटनेस और डार्कनेस, किसी भी कलर की जो होती है वो उसकी वैल्यू होती है। अब वैल्यू भी दो प्रकार की होती है, एक होता है टिंट, दूसरा होता है शेड। अब टिंट क्या होता है, किसी भी कलर में अगर व्हाइट की मात्रा ज्यादा है, सफेद की मात्रा ज्यादा है, तो हम क्या बोलेंगे, भाई टिंट बढ़ा दो, व्हाइट बढ़ाना हो तो क्या बोलोगे, टिंट बढ़ा दो, या इसका टिंट ज्यादा है। और अगर हमारे किसी भी उसकी ब्लैक की मात्रा जाए, तो आपके टीचर्स आपको बोलते होंगे कि आप इसका शेड बढ़ाओ, शेड बढ़ाओ मतलब उस कलर, उसमें काले की मात्रा को बढ़ा दो। ठीक, तो ये हो गई आपकी टिंट, ये हो गई आपकी शेड। किसी भी कलर में अगर टिंट ज्यादा है, मतलब व्हाइट की मात्रा ज्यादा है, तो उसकी वैल्यू ज्यादा रहेगी। आपको पता है सफेद की वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है और काले लोगों की वैल्यू कम होती है, मतलब आप उसको उसमें मत लीजिएगा, बट अगर हम अंदर से काले कहते हैं तो वो उसकी वैल्यू, ये सब याद रखने की चीज है, क्योंकि ये थोड़ा बहुत इसलिए पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर टिंट ज्यादा है मतलब वैल्यू ज्यादा है, टिंट कम है मतलब वैल्यू कम है। अब आते हैं क्रोमा, क्रोमा का मतलब सघनता, क्रोमा को आप इंटेंसिटी भी कहते हैं, कलर मतलब, ठीक है, इंटेंसिटी भी कहते हो, मतलब कि अब आपने आपने लाल तो लगा दिया, लाल को आपने लाइट रेड मतलब मान लीजिए व्हाइट यूज करके या मिक्स व्हाइट यूज करके किया, लेकिन आपने रेड को लगाया कैसे, दैट मींस आपने उसको वॉश में अप्लाई कर दिया, तो हम कितना लाइट रेड लगाते हैं, आपने उसको इम्पेस्टो उसमें एकदम डार्क डार्क लगा दिया, तो वो हम डार्क लगाते हैं। तो यही रंग में कितनी तीव्रता है, कितनी प्योरिटी है, ये आपकी इंटेंसिटी है। आपने उसमें अंदर कोई सा धूमिल कलर मिला दिया तो वो एकदम डल भी हो जाता है, क्या बोलते हैं, पोर्ट्रेट डल जा रहा है, प्लीज आप उसको थोड़ा सा ब्राइट कीजिए। तो ब्राइट कैसे, कलर की इंटेंसिटी को बढ़ा दें, तो वही कलर की इंटेंसिटी होती है, उसकी सघनता होती है। अब एक्रोमेटिक वर्ड क्या होता है, एक्रोमेटिक मतलब ब्लैक एंड व्हाइट अगर आप काम करोगे तो उसको हम ड्राइंग की टर्मिनोलॉजी में एक्रोमेटिक कहते हैं, मतलब कि वर्णहीन। क्यों, क्योंकि उसमें कलर नहीं है, वर्ण मतलब कलर। और आपको ये जानना जरूरी है कि ब्लैक एंड व्हाइट कोई कलर नहीं होता है, ये सिर्फ डार्क और लाइट, हाँ बाकी सब कलर होते हैं। हम बोलेंगे कि ब्लैक कलर यूज कर, देखो ब्लैक कलर होते ही नहीं, आप अपना कलर व्हील देखते हैं, क्या उसमें काले रहता है, व्हाइट रहता है, नहीं रहता। तो मतलब कलर व्हील नहीं, जगह नहीं दिए, तो हम क्यों काले और सफेद को कलर माने। तो अगर वर्णहीन है, हीन है, एक्रोमेटिक है, मतलब सफेद काले की बात हो रही है। मोनोक्रोमेटिक मतलब एक ही कलर की
उसको यूज करके हम उसके विभिन्न शेड्स बनाएंगे तो वो मोनोक्रोमैटिक है। पॉलीक्रोमैटिक मतलब हम अलग अलग कलर्स को यूज करेंगे तो वो पॉलीक्रोमैटिक है। अब आपको ये बता दें, ये देख लीजिए ह्यू, थोड़ा सा साफ नहीं दिख रहा, इसको ज़ूम करना जरा एक बार। ठीक है, मेरे स्क्रीन पे दिख रहा है वैसे, इसको थोड़ा साफ नहीं दिख रहा, ज़ूम करना एक बार हल्का सा, आप थोड़ा थोड़ा दिख। ठीक है, ठीक है, ये क्रोमा है, देख लीजिए आप कैसे उसकी डल हो रहा है, कलर डल हो रहा है रेड और ये डार्क हो रहा है। वैसे ये वैल्यू है डार्क से लाइट, ये हमको बेसिकली ये कलर व्हील है, पता है प्राइमरी कलर्स कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, लाल, पीला और नीला। उसको जब हम आपस में मिलाएंगे तो तीन कलर और क्रिएट हो जाएंगे, ऑरेंज, ग्रीन और वायलेट, ये आपके सेकेंडरी कलर हो जाएंगे। और फिर जब हम आपस में उनको मिलाएंगे, ये सब कलर जो होते हैं ये आपके टर्शरी कलर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बेसिक है, इसमें टाइम थोड़ा सा वेस्ट नहीं करते। यही कलर स्कीम है, ये सब पता होना चाहिए। मोनोक्रोमैटिक मतलब एक ही कलर्स का हमको शेड देना है, एनालॉगस मतलब कि समीपवर्ती ये पास पास के कलर्स को ले लो, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कि क्वेश्चन आपके आ जाते हैं कि मोनोक्रोम कलर होता है, क्या होता है, एक कलर होता है कि दो कलर होता है। हाँ, ये बहुत आते हैं, बहुत आते हैं। अब मोनोक्रोम कॉम्प्लीमेंट्री, तो जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि ये कॉम्प्लीमेंट्री है, ऑरेंज और ब्लू कॉम्प्लीमेंट्री मतलब एक दूसरे के आमने सामने लड़ाई झगड़े करने वाले। फिर स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री, यही इनके ये बेसिक रहती है, ये जब इनको आप तोड़ देते हैं स्क्वायर्ड होता है, तो ये सारी चीजों को आप कलर स्कीम में दे सकते हो। अपन आगे बढ़ते हैं, टोन क्या होता है, टोन पता है आपको, किसी भी चीज का डार्कनेस और लाइटनेस टोन है। टोन तीन प्रकार की होती है पेंटिंग में, आपको पता ही है, लाइट होगा, मिडिल होगा या डीप होगा, ये आप उसमें देख सकते हैं। ये लाइट टोन है, मिडिल है और ये डार्क है। ठीक, इन सब चीजों का, ये फोर शेडो है, ये रिफ्लेक्शन लाइट है, ये हाईलाइट है, ये थोड़ा सा नॉलेज इसका तो बेसिक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब टेक्सचर है, टेक्सचर मतलब किसी भी चीज का कुछ स्पर्श करने से जो टेक्सचर आता है, छूने से नहीं पर मतलब हमें उसको देख के ये पता चल जाता है कि हम उसको अगर छुएंगे तो इसका क्या इफेक्ट दिखेगा। तो आप टेक्सचर एक बहुत बेसिक है, प्राकृतिक, आर्टिफिशियल, क्रिएटिव, तीन प्रकार के होते हैं। मतलब कि प्राकृतिक, तो जैसे कि आप किसी पेंटिंग को पत्थर पे बना रहे हो, किसी पेंटिंग को कैनवस पे बना रहे हो, किसी पेंटिंग को आप वॉल पे बना रहे हो, ये आपका प्राकृतिक है, आपने चेंज नहीं किया है, जो जहां से आया है वो आपने प्राकृतिक। आर्टिफिशियल मतलब कि जो ये सब हम कैनवस खुद बना के जो चीजें यूज करते हैं, पेपर वगैरह, ये आपका आर्टिफिशियल है। लेकिन क्रिएटेड क्या है कि मान लीजिए आपने पेपर पे ईंटों की पेंटिंग कर दी, तो ये आपने ईंटों का टेक्सचर दिया है, तो ये आपका क्रिएटेड टेक्सचर है। ठीक, तो ये तीन चीजें हैं, टेक्सचर तीन प्रकार के होते हैं। अंतराल, सरफेस, सबको पता होना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव दो प्रकार के होते हैं। कोई भी पेंटिंग हो, अगर ये एक उसका आगे देखा गिरा, कोई भी पेंटिंग हो, ये जो फेक ये है, ये आपका पॉजिटिव स्पेस है, और ये जो है बैकग्राउंड वाली चीज है, नेगेटिव स्पेस है। ठीक, ये जो नीचे जहां ये खड़ा है, ये फोरग्राउंड है, ये पीछे ये बैकग्राउंड है। तो ये टर्मिनोलॉजी है जो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, कितना बच गया टाइम, थोड़ा सा ये हो गया टाइम हमारा, 10 बजने वाले हैं। अच्छा, तो इसको कंटिन्यू रखें कि ये नेक्स्ट क्लास में देखें क्या है। वैसे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें, ये इसी के अंदर है, किसी भी चीज को कंपोज करेंगे तो उसका क्या सिद्धांत होना चाहिए। हाँ, कर देते हैं इसको, ज्यादा टाइम नहीं। ठीक है, एक मिनट, दिख रहा है स्क्रीन में, थोड़ा सा ब्लर हो रहा है। ठीक है, इसके लिए थोड़ा सा मुझे जरूरत है इसकी। ठीक है, बस काफी है।
ठीक है, अब किसी भी पेंटिंग को संयोजन मतलब कंपोजिशन का मतलब ये नहीं कि हम चार फिगर क्रिएट करते हैं तो वही कंपोजिशन होता है या वही लग, है ना, वो चीज नहीं है। कोई भी पेंटिंग है, एब्स्ट्रैक्ट हो, मैंने सबका आप ले लिया, स्टिल लाइफ हो, लैंडस्केप हो, फिजिक फिगरेटिव हो, सब में एक कंपोजिशन का जरूरत होती है, बोलते हैं एक संयोजन होना चाहिए, ठीक है। तो लेकिन संयोजन किस प्रकार से होए वो ये मुख्य सिद्धांत होते हैं, उसको आप यूनिटी, हार्मनी, बैलेंस, डोमिनेंस, रिदम और प्रोपोर्शन। ज्यादा कुछ नहीं देखना, बस इसकी नॉलेज लेनी है किसको क्या बोलते हैं। तो दो मिनट समझ लेते हैं, एक पेंटिंग से समझते हैं। देखो ये एक लैंडस्केप दिख रहा है सुंदर सा, ठीक है, आप लोग देख पा रहे हैं। सबसे पहली चीज है यूनिटी, कोई भी पेंटिंग है उसमें यूनिटी होनी चाहिए, मतलब कि जैसे आज ये है, ये आपस में एक एकता में है। इनकी एकता क्या है कि ये एक ग्रामीण दृश्य है। मान लीजिए इसकी जगह मैं एक पीछे से बिल्डिंग खड़ी कर दूं, तो क्या ये पेंटिंग यूनिटी में रहेगी, एकता में रहेगी? नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि उसकी एक चीज गड़बड़ा गई कि भाई अगर आपने ग्रामीण हैंडपंप और ये ऐसा भैंस वगैरह बनाई है तो वो पीछे इंडस्ट्रीज आपकी क्या करती है। तो कोई भी पेंटिंग है उसमें एक यूनिटी होनी चाहिए कि उसके जो सारे एलिमेंट हैं वो एक एकता में बंध होनी चाहिए। दूसरी चीज आती है आपकी सामंजस्य, जिसको आप कहते हैं हार्मनी, जिसको आप कहते हैं हार्मनी। एग्जाम्पल जो अभी हमने लास्ट में एलिमेंट्स पढ़ा, रेखा, रंग, रूप, तान, पोत, ये सब आपस में एक सामंजस्य में बंधे होने चाहिए। जैसे कि ये वाली रेखा है तो ये उसके रूप में बंधी होनी चाहिए। इस रेखा के अकॉर्डिंग हमने टोन्स क्रिएट करे, टोन्स के साथ कलर्स को, ये वैसे जो सारे एलिमेंट है वो आपस में कितने गुथे हुए हैं वो एक पेंटिंग का हार्मनी होता है। अगर वो नहीं गुथे होंगे, एक आधा भी गड़बड़ा जाएगा। मान लीजिए आपने कलर तो अच्छा चूज कर लिया, सही चूज कर लिया, लेकिन आपने अगर कलर को उस टोन में नहीं लगाया तो आपकी पेंटिंग गलत हो जाएगी। आपने लाइन तो सही यूज कर ली, लेकिन आपने उसको प्रॉपर स्पेस पे नहीं लगाया तो आपकी पेंटिंग गलत हो जाएगी। तो ये आपका सामंजस्य है, अगर पेंटिंग में ये चीजें होगी तो आपको ये हार्मनी देगी, सामंजस्य बैठाएगी और कॉम्पोजिशन आपका परफेक्ट होगा। आगे आते हैं बैलेंस। तो बैलेंस ये है, हार्मनी ये है कि भाई सारे एलिमेंट्स एक साथ जुड़े। बैलेंस ये कि अगर आप एक पेंटिंग को देखें तो आपकी आंखें पूरी पेंटिंग पे जाए, ना कि किसी एक चीज पे। बस ऐसा भी हो बोल क्या, किसी हैंडपंप देख के छोड़ दो, बाकी तो देखा ही नहीं हमने, होता है ना कि यार मेरे तो नजर बस उसी पे गई, बाकी तो मैंने देखा ही नहीं। क्यों नहीं देखा? क्योंकि शायद उसको क्रिएट करने वाले ने उस चीज का ध्यान नहीं रखा कॉम्पोजिशन में कि बैलेंस होना चाहिए ताकि वो पूरी पेंटिंग को देखने वाला देखे। तो बैलेंस ये बैलेंस जो होता है कि जैसे कि कलर बैलेंस, कि एग्जांपल के लिए अगर जो कलर यहाँ लगा है वो आप यहाँ भी लगा दो, ये देख लीजिए इस तरह का ब्लू टोन टिंट दिया है तो यहाँ भी दे दिया, यहाँ भी दे दिया, जिससे क्या है कि सिर्फ यहाँ दिमाग नहीं जा रहा, सब जगह जा रहा है। ये पर्पल ये देखिए, इस चीज को यहाँ क्यों दिया हूं? उसको बैलेंस करने के वैसे, ठीक है। तो ये बैलेंसिंग कलर से भी होती है, रूप से भी होती है। मान लो ये एक छोटा सा ये बनाया है, ठीक है, तो ये मुर्गा दिख रहा है, ये क्यों बना है? ये इन दोनों को बैलेंस करने के लिए बनाया है, क्योंकि यहाँ पे चीज खाली दिख रही है। ये हम जब अगर प्रैक्टिकल करते हैं जो लोग, तो वो बहुत अच्छे से इसको समझ रहे हैं कि यार इसको बैलेंस कर दो, कि एक फिगर यहाँ खड़ा किया, एक यहाँ खड़ा किया, तो यहाँ खाली है तो इसको इससे बैलेंस कर। तो ये हम क्यों खड़ा करते हैं? हम इसलिए करते हैं कि हम पेंटिंग को बैलेंस करते हैं, बाकी कोई मतलब नहीं, वो सिद्धांत के अकॉर्डिंग विरुद्ध है। तो ये बैलेंस हो गया। अब आते हैं अगला क्या है, एक कॉम्पोजिशन का रूल ऑफ थर्ड के बारे में पूछ सकता है। और थोड़ा एक और था, वो स्पाइरल वाला कौन सा था, उसका नाम याद नहीं आ रहा। और एक गोल्डन रेशियो, हाँ गोल्डन रेशियो, हाँ वो। तो कंटिन्यू करो। डोमिनेंस, डोमिनेंस मतलब प्रभाविकता। कोई भी पेंटिंग देखते हैं लेकिन पूरी पेंटिंग पे नजर घूम के कहीं एक जगह पे टिक जाए। आप खुद देखिए, आज आप इसको भी देख रहे हैं तो आप पेड़ को पूरे टाइम थोड़ी देखेंगे, आप किसको पूरे टाइम देखेंगे? इसको देखेंगे, ये दिख रही है ये। क्यों? क्योंकि ये इसमें डोमिनेंस है। तो कोई भी पेंटिंग है उसमें ये डोमिनेंसी होती है कि जब हम बैलेंस, बैलेंस है आपका पेंटिंग, हम पूरा घूम के आ गए लेकिन हम एक जगह टिक जाते हैं, तो वो उसका डोमिनेंस है कि एक एलिमेंट ऐसा होता है जो प्रभाविकता पे रहता है, जो आपको आपके ध्यान को
आकर्षित करता है, तो ये उसका डोमिनेंस हो गया। अब ये चीजें मैं इसलिए हिंदी में बता रही हूँ कि आप जब इंग्लिश हिंदी जो भी लैंग्वेज प्रेफर करते हैं ये सिर्फ यही पूछेंगे कि अगर आपको पूरे यही चीजें पूछेंगे कि ये देखा हो तो इसको क्या आप बताएंगे, है ना, तो वो आपको अगर आपको आम भाषा में आपके दिमाग में ये सेट है कि इसको ऐसा बोलते हैं आप इजिली आंसर कर लेंगे। ठीक, अब आते हैं रिदम। तो रिदम क्या है, ये क्वेश्चन आता है कि रिदम क्या है, कोड से एक ऑर्डर है क्या है, तो एक ऑर्डर है। रिदम मतलब बैलेंस तो हो रही है लेकिन हमारी दृष्टि कैसे पूरी पेंटिंग पे घूम रही, वो एक रिदम में घूम, मतलब अगर एक सक्सेसफुल आर्टिस्ट है तो वो उसको ऐसे बनाएगा जिससे कि उसको पता है कि देखने वाले की दृष्टि सबसे पहले यहाँ पड़ेगी, फिर यहाँ पड़ेगी, फिर यहाँ पड़ेगी और घूम के यहाँ आएगी। तो ये अपनी पेंटिंग को एक लय में क्रिएट करता है। लय सिर्फ गाने में नहीं होती, हमारी पेंटिंग में भी होती है कि हम एक लय में क्रिएट हो रहे हैं, एक ऑर्डर में क्रिएट हो रहा है कि हमें यहाँ से यहाँ तक उस चीज को देखना, तो ये एक उसका ऑर्डर होता है। और उसके बाद आते हैं प्रोपोर्शन, मतलब के प्रमाण। आप सब जानते हैं कि अगर घर इतना बड़ा है तो उसके प्रमाण पे, उसके प्रोपोर्शन पे बच्ची कितनी बड़ी बनेगी और एनिमल कितना बड़े। अब घर ऐसा बना है, मान लो इतना बड़ा एनिमल बना दोगे तो क्या सही होएगा, राक्षस हो गया बोले तो क्या राक्षस, तो वो चीज है कि कोई भी चीज हो आपस में प्रोपोर्शनेट हो, कि अगर ये भैंस इतनी बड़ी बनाई है तो मुर्गे कितने बड़े होंगे, तो ये आपका प्रोपोर्शन होता है। अगर इन चीजों को हम ध्यान में रखेंगे तो हमारा कॉम्पोजिशन सही हो जाएगा। एक सिक्स लिम्स होता है, आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, याद रखिएगा, रूप भेद प्रमाण भाव लावण्य योजनम सादृश्य वर्णिका भवम इति चित्र षडंग। ठीक है, ये एक षडंग है, कोई भी पेंटिंग होता है ना तो उसके लिए षडंग सिक्स लिम्स की जरूरत होती है। हम इन चीजों को ही देखते हैं, ये वही है जो रिपीट हुआ है। कोई भी पेंटिंग है उसका रूप सबसे पहले देखोगे, फिर उसको प्रमाण में बिठाओगे, मतलब बड़ा छोटा आपस में कितना, जैसे कि पेंटिंग है तो ड्रेपरी से कितना दूर, कितना बड़ा कितना छोटा, फिर उसके एक्सप्रेशन को देखेंगे हम, अगर क्या एक्सप्रेस कर रहा है वो उसकी, है ना, फिर उसकी एस्थेटिक स्कीम, मतलब उसको सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं ना, फिर हम उसकी सिमिलरिटी और सादृश्यता, मतलब कि अगर आप एक पोर्ट्रेट बना रहे हो तो अगर आप एग्जाम्पल के लिए अगर आप महेंद्र सिंह धोनी का पोर्ट्रेट बना रहे हैं तो वो सचिन तेंदुलकर जैसा नहीं दिखना चाहिए, वो महेंद्र सिंह धोनी जैसा ही दिखना चाहिए। तो हर किसी की अपनी एक सादृश्यता होती है कि उसकी नाक, जैसे बोलते हैं ना कमल की जैसी आंख है, बादाम की जैसी, सॉरी कमल की जैसी नहीं, मछली की जैसी आंख है, बादामी आंख है। तो ये हम जब एक नेचुरल चीज को एक आर्टिफिशियल चीज से कंपेयर करते हैं वो सादृश्यता होती है। और कलर स्कीम तो आपको ऊपर कलर पे डिस्कस कर ही दिया, तो ये चीजें होती है जो हमारी आर्ट फंडामेंटल्स में आती है। आपको अगर ये सिक्स लिम्स, अभी क्योंकि देर हो गया है हमको एंड करना चाहिए, लेकिन ये सिक्स लिम्स का अगर आपको और डिटेल में देखना है तो आप वो वीडियो में देख सकते हैं काफी अच्छे से, है ना। तो यही सब फंडामेंटल था, तो अगर कुछ रह गया हो तो आप बता दें। वैसे मेरे हिसाब से इससे ज्यादा फंडामेंटल पूछेंगे नहीं, कोई ऐसा कुछ तो नहीं आएगा ज्यादा। हाँ, बाकी तो हो ही गया सारा, बाद भी बाकी का जो है बाद में करेंगे इसका। हाँ, क्योंकि थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो गया। कमेंट सेक्शन ऑन कर, फेस कैम पे आ जाओ आप। ओके, वेट। ठीक है, तो आज की स्लाइड में टॉपिक वाइज चल रहे हैं हम, ये आर्ट फंडामेंटल्स के ऊपर था टॉपिक, इसके बाद क्या टॉपिक होगा वो आप बताइए। उसके बाद हम होगा तो इंडियन हिस्ट्री शायद ले लेना चाहिए, थोड़ा सा बेसिक्स उसमें, वो थोड़ा सा इससे शायद बड़ा भी हो जाए, तो मेरे हिसाब से इंडियन हिस्ट्री लेना ही सही रहेगा क्योंकि वो एक से दो क्लास जरूर होगी। सो आप देख लो, इंडियन हिस्ट्री का दो क्लास हो सकती है, उसके बाद वेस्टर्न आर्ट तो धीरे धीरे जाएंगे। वेस्टर्न तो मैं समझूंगी, वेस्टर्न इतना नहीं पूछते हैं, वेस्टर्न की जो बेसिक, मतलब लियोनार्डो दा विंसी कौन है, माइकल एंजेलो कौन है, किनकी मोनालिसा किसने बनाई, ये बस इससे ज्यादा ये आगे नहीं बढ़ सकते हैं। मतलब क्यों बढ़ेंगे, ऑब्वियसली क्योंकि वो तो आज काफी लोगों को तो आज पता होगा कि भाई यूरोप से पेंटिंग स्टार्ट हुई है, तो वो तो जब प्रोफेशन में जाते हैं तो हम उसको डिटेल में जाते हैं, तो वेस्टर्न का तो मतलब जो बेसिक पॉइंट्स बनते हैं वो एक बार देख लूंगी मैं, बेसिक बेसिक लेके चलेंगे और थोड़ा आर्टिस्टों के ऊपर कर लेंगे। हाँ, उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट टाइम लगेगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर कर लेंगे, तो इससे क्या होगा आपका एक बेसिक ओवरऑल बीएफए की तैयारी हो जाएगी,
और जैसे थ्योरी में बुक पढ़नी पड़ती है नहीं हो पाता, तो सिर्फ आप ये वीडियोस देखकर भी अपना पेपर निकाल सकते हो, बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा आपको। मैं बस सबको यही मैसेज देना चाहूंगी कि मतलब बस अपना माइंड स्मार्टली डेवलप कीजिए, पेपर को भी स्मार्टली कैरी कीजिए कि भाई हम सब आसपास ही देख रहे हैं ये चीजों को, हम उसको समझ नहीं पा रहे। मीडियम नॉलेज रखिए कि भाई एक्रेलिक्स में क्या यूज होता है, ड्राई मीडियम क्या है, वेट मीडियम क्या है, ये तो सब पता है कि सूखा जिसमें पानी यूज नहीं है तो वो ड्राई है, पेस्टल क्रेयॉन्स है, तो ये बहुत बेसिक बेसिक चीजें आपको जो हम यूज कर रहे हैं, लेकिन हमें समझ नहीं, हम बस घबरा जाते हैं कि भाई ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था तो हमें नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? ये तो आपकी वही चेक कर रहे हैं ना कि आपने कितना आप उस चीज में घुसे हो, थोड़ा बहुत भी कहीं, तो आप बस घबराइए मत, वो बेसिक ही पूछेंगे तो उस चीज में हमको बस यही है कि आप जो ये बेसिक बेसिक दिख रहा है आप उस पर फोकस करें, और जो थोड़ी बहुत इंडियन का क्वेश्चन पूछ सकते हैं जैसे पेंसिल में कितने ग्रेड्स होते हैं, ईट भी वाली सॉफ्ट होती है, हार्ड होती है, क्वेश्चन आ सकते हैं सिंपल सिंपल से। प्रैक्टिकल अगर आप कर रहे हो तो थोड़ा सा बस मीडियम में तो यही होगा, थोड़ा सा अवेयर रहिए प्रैक्टिकल में पेंसिल के ग्रेड्स और ये सारी चीजें क्या क्या। सब टीचर आपको यही आवाज जो मैंने कंपोजिशन बताई कोई नई चीज नहीं बताई, हर टीचर ऐसा पढ़ाता है, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया कि इसको क्या बोलते हैं टोन्स की। हम लोग ये सारी टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं लेकिन हम उसको ध्यान नहीं देते हैं कि वो क्या है। तो बस वही चीजें अगर हम अलर्ट रह के आप लोग करेंगे तो वो बहुत इजी हो जाएगा मेरे हिसाब से। और एक आध सर मतलब जैसे एक थोड़ा सा कॉलेज को लेके भी वहाँ के जो कुछ कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट रहे हैं, जैसे अभी मेरे एकदम बात करते करते भावेश चंद्र सानियाल जी के बारे में बात हो गई थी, तो हम एक क्लास में जैसे हम जो वेस्टर्न वाली क्लास बोल रहे हैं तो उसमें क्योंकि वेस्टर्न का ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, तो उसमें हम ये भी डिस्कस कर लेंगे क्योंकि आजकल ये भी कि आपको नॉलेज होना चाहिए कि आप दिल्ली के हैं, आपको उनके बारे में नॉलेज है कि नहीं, आप BHU से हैं तो आपको उनके बारे में नॉलेज है कि नहीं। तो ऐसे हैं कुछ कलाकार जो मतलब बहुत बेसिक हैं, मतलब वो वहाँ के ही हैं, एलुमनाई हैं, वहाँ के टीचर्स रह चुके हैं, तो उनके बारे में हमको पता होना चाहिए जिस डिपार्टमेंट में हम जाने का सपना रखते हैं। तो थोड़ा सा एक और टॉपिक वो भी कर लेंगे अगर उसी के साथ ही। और मेरे ख्याल से अनीश कपूर को लेके भी क्वेश्चंस आ जाते हैं जो कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट है ना, जैसे अनीश कपूर हो गया, इनको लेके भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। ब्रिटिश इंडियन स्कल्पटर हैं, और हाँ क्योंकि अभी थोड़ा बहुत पेपर में ओलंपिक्स का डिजाइन किए आया भी था इनका क्वेश्चन कुछ कुछ ऐसे कलाकार भी है जिनको सब नहीं जानेंगे, जैसे जिनके बारे में सब, तो वो नहीं पूछेंगे उतने डिटेल में, आप मत जाइए, वो हम बाद के लिए रखते हैं, लेकिन हाँ जो बेसिक आर्टिस्ट है उनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, तो वो थोड़ा बहुत मैं भी एक बार देख लूंगी। जैसे कि अभी एकदम भावेश चंद्र जी की बात है अपने में, MF हुसैन की, तो जो बिल्कुल बेसिक है, क्योंकि फिर मैं एक बार शुरू होंगी तो वो सबको बहुत बोरिंग लगेगा कि यार कितने कलाकार हैं, कैसे याद करेंगे, ये बहुत कंप्लेंट आती है हम कैसे याद करें, तो मैं थोड़ा सा वही देख लूंगी कि जिन जिन के बारे में आपको पता होना चाहिए एक बार देख के, नाम देख के उनका बेसिक पता। थ्योरी की ज्यादा टेंशन लो मत, क्योंकि इतनी टेंशन लेने वाली चीज भी नहीं है, ज्यादातर बच्चे बहुत टेंशन ले रहे हैं थ्योरी को लेकर, ज्यादा बवाल मचा पड़ा है। और आपको वैसे ही इंस्टा अकाउंट अब मिल गया है, आप चाहें तो अगर आपको डाउट भी आए तो आप मुझसे DM कर सकते हैं। अभी दो चार दिन आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऐसा नहीं बोलूंगी कि पढ़िए मत, अभी जितना टाइम है यूटिलाइज कर लीजिए, पेपर्स मिल रहे हैं पेपर सॉल्व कर लीजिए, पढ़ना तो जरूरी है, बट टेंशन लेके मत पढ़िए कोई भी एग्जाम, टेंशन लेके तो होता ही नहीं है, क्योंकि आप प्रैक्टिकल इतना अच्छा काम करते हैं तो आपका थ्योरी भी अच्छा होएगा अगर आप मेहनत करेंगे, तो दो चार दिन की बात है। ये बात है कि जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन एक दिन पहले तो कुछ मत करना, ना प्रैक्टिकल ना थ्योरी, रिलैक्स हो जाना बस, सब आता है आपको, सब आता है अपने को। हाँ वही एटीट्यूड रखना है, ऐसे सोचना बस, हाँ अपने को आता है सब, क्योंकि अगर एंड टाइम पे अगर थ्योरी वाली सर आपने बहुत अच्छा किया कि ये एक दो दिन दो चार दिन अगर ये टॉक्स जो अपनी जनरल बातें हैं उनको भी अटेंड कर लेंगे तो ये टर्मिनोलॉजी से दिमाग में रह जाएगी, बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हाँ ऐसा बोला था, क्योंकि किसी की बात तो हम सुनते हैं वो ज्यादा ध्यान देते हैं, हमारा नेचर होता है कि यार सुनी बात हम कभी नहीं भूलते नहीं है दिमाग में, पेपर के टाइम पे याद आ जाएगा आपको कि इस तरीके से बिंदी जी ने ये चीज समझाई थी, ये चीज पढ़ाई थी। तो इस सीरीज को फॉलो करें, अच्छा लग रहा है मुझे भी, और इस सीरीज को फॉलो करें, विनी जी को भी फॉलो करें जाके, और मेरा भी इंस्टाग्राम फॉलो करके रखें, ये वीडियोस मैं यूट्यूब पे भी डाल दूंगा और इनके यूट्यूब चैनल पे भी अवेलेबल हो जाएंगी ये वीडियोस,
क्योंकि ये हम सीरीज वाइज चल रहे हैं ताकि आपकी बीएफए की प्रॉपर अच्छे से तैयारी हो जाए इसको लेके। बस ओके एक यूट्यूब का चैनल का पूछे थे, विजुअल आर्ट्स विद विनी करके यूट्यूब चैनल है, आप उसमें फंडामेंटल्स की प्लेलिस्ट देखिए, ज्यादा मत जाना वो सब नेट का है, अपने सिर से ऊपर जाएगा, लेकिन कुछ है फंडामेंटल्स दो चार, चाहे तो टेलीग्राम पे भी चैनल है विजुअल आर्ट्स विद विनी, उसमें आपको बीएफए का मिल जाएगा, लिंक्स वगैरह मिल जाएंगे, तो आप सिर्फ उसको फोकस करोगे, उसमें पेपर्स हैं आप सॉल्व कीजिए, तो हमारी गारंटी है कि वो सब आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, जितने आपको एक्चुअली क्वालिफाइंग मार्क्स तो आपको मिल जाएंगे ऐसा। और सबने थैंक यू बोला है, थैंक्स टू यू आपने अटेंड किया। थोड़ा सा सर एक बार कमेंट्स पर अगर कुछ हो डाउट्स तो आप पूछ लीजिए, नहीं तो अपन एंड कर लेते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन है ना तो बता दो, आपका कोई डाउट्स वगैरह हो तो एक बार बता दो कमेंट में जल्दी से। कमेंट्स मैंने देखे, हिस्ट्री ऑफ आर्ट और एस्थेटिक को टेंशन है बस थोड़ी। ठीक है, तो हिस्ट्री ऑफ आर्ट अपन अभी एक आध दिन में शायद कल या परसों उसको डिस्कस कर लेंगे, और आप लोग प्लीज अगर टेंशन है जिस चीज का आप उसके डाउट्स निकालिए और नोट डाउन करके रखिए, मुझे ऐसा ज्यादा अच्छा लगेगा कि मेरे पास क्वेश्चन आएंगे तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो कोई भी डाउट्स अगर आप पढ़ रहे हैं जो भी डाउट्स है आप लोग उसको निकाल के रखिए, क्योंकि वही ना आपका एक डाउट 15-20 लोगों का और डाउट होगा फिर वो क्लियर हो जाएगा उस हिसाब से। बिल्कुल, और फिर और उस डाउट के लिए मैं दो जबातें और बोलूंगी, क्योंकि मैं अभी बहुत ज्यादा ऐसी हूँ कि मुझे ज्यादा कुछ नहीं बोलना है, क्योंकि हम यहाँ बीएफए एंट्रेंस की डिस्कस कर रहे हैं तो वो फिर बहुत बोला जाता है, तो आप वो थोड़ा उस चीज को समझिए कि आप डाउट्स निकालेंगे तो अपन उस पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे, मेरे लिए भी एक गाइडेंस हो जाएगा कि बस मुझे इतना ही बोलना है ऐसा, और वो ये वो हो जाऊंगा। हाँ, बोलने में भी एनर्जी लगती है, थकान हो जाती है इतना बोलते बोलते भी। सही बात है। अब देखो कोशिश मेरी यही है कि आपको देखो इतना कंटेंट मिल रहा है, फ्री में सब कुछ अवेलेबल हो रहा है, तो आप भी अपना सपोर्ट दिखाइए, ठीक है, फॉलो कीजिए चीजों को, आर्टवर्क्स को फॉलो कीजिए, आर्टिस्ट को फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, देखो ये जो कंटेंट है इसको ज्यादा शेयर करो ताकि आप लोग जितने भी लोग देख रहे हो बहुत तो यूजफुल है, हाँ, बात वही दोस्त वगैरह वो भी देखें इस चीज को, वहां तक भी पहुंच पाए चीजें, ये नहीं कि अपने तक रख लिया। कभी ऐसा मत कीजिएगा कि मैं देख के फायदा ले लूं और मेरा दोस्त तैयारी कर रहा है, आप भी डूबोगे। आज हम जिस चीज के लिए अगर हम एक पोस्ट के लिए भी पढ़ाई करेंगे तो हम चार लोग पढ़ेंगे, जिसका लक है वो, तो वो आप यहाँ चले जाओगे, आप आगे अटक जाओगे अगर आप ऐसा एटीट्यूड रखें, क्योंकि अपनी कला में तो बिल्कुल ये चीज नहीं होती, सबको साथ में लेके चलिए, अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप सबको पढ़ाइए और फ्री में पढ़ाइए, सब मिलेगा। तो मुझे नहीं लगता किसी के क्वेश्चन या डाउट्स हैं अभी, अगर होते तो लोग पूछते ना। ठीक है, तो सब सबकी बात ही है। चलिए ठीक है सर, फिर अपन एंड कर लेते हैं, है ना, क्योंकि चलो फिर एंड करते हैं। ठीक है, आप मुझे बता देना, मैं उसके हिसाब से फिर पोस्टर भी डाल दूंगा जल्दी से। ओके ओके, टॉपिक वगैरह का ठीक है, चलो थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, बाय बाय विनी, बाय सर। ठीक है, तो आई होप कि आज का सेशन आपको बढ़िया लगा होगा, पसंद आया होगा। तो ये जो सेशन है, एपिसोड्स हैं एक तरीके से, सिर्फ आर्ट टॉक नहीं है, पूरे एपिसोड्स हैं, और आगे भी और एपिसोड्स आएंगे जैसा कि मैंने बताया, तो आप सीरीज से जुड़े रहिए। अगर आप बीएफए की तैयारी कर रहे हैं तो भी, और बीएफए की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं तो भी, क्योंकि आपको नॉलेज बहुत अच्छी मिलने वाली है, और जुड़े रहिए, शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी पता लगे इस कंटेंट के बारे में, औरों तक भी अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुँचे। सो गुड नाइट सभी को, ठीक है, और अगला एपिसोड कब आएगा मैं उसकी अपडेट आपको जल्दी दे दूंगा, सो उसकी भी टेंशन मत लेना, बीएफए के पेपर से पहले सारी तैयारी हो जाएगी आपकी, वो सारी टेंशन मत लेना, क्यों क्वेश्चंस वगैरह वो सब भेजते रहना, ठीक है। सो बाय सभी को, गुड नाइट सभी को, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग गाइस।